सीधे बता दें आपको क्या ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला में खींचतान जारी है। देखिए एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला पर बीरेंद्र सिंह बरसे हैं। उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला, वीरेंद्र सिंह ने कह दिया है। उचाना में नहीं हुए हैं विकास कार्य, वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया। डेप्यूटी सीएम दे विकास कार्यों की लिस्ट, वीरेंद्र सिंह ने कहा है। वीरेंद्र सिंह ने डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला से विकास कार्यों की लिस्ट मांग ली है। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला जो हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे उचाना से, क्योंकि कोई विकास नहीं कराया उन्होंने। लिस्ट दे दे बना के फिर बता देंगे आपको भी। अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। साल में कोई सारे के सारे हजार करोड़ के काम हो जाएं तो अलग बात है। आज के दिन 5 काम भी ऐसे नहीं है जो लोगों को दिखते हो कि इसने करवाया, तो झूठ का पुलिंदा है। और इसीलिए लोगों को भी पता है, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा उचाना से। उसको लिस्ट दे दे बना के। तो ये खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आई है बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच की, जब बीरेंद्र सिंह ने उचाना से चुनाव नहीं लड़ने की, दुष्यंत चौटाला के उचाना से चुनाव नहीं लड़ने की बात कह दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उचाना में विकास नहीं कराया है दुष्यंत चौटाला ने। बीरेंद्र सिंह की ये तीखी टिप्पणियां एक बार फिर से, बीजेपी नेता है बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पर, प्रदेश के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच की ये खींचतान एक बार फिर से सबके सामने।